तो आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी है और जैसे ही मैं इवनिंग में निकली हूँ घर से तो पीछे पार्क में गई अपने डॉग को वॉक कराने के लिए। तो वहाँ पर मैंने देखा कि एक चिड़िया जो है पूरी तरह चींटियों से भरी हुई थी, उसको चींटियाँ काट रही थी, बट वो अभी अलाइव थी, जिंदा थी। तो मैंने क्विक डिसीजन लिया और हेल्प करी है उसकी। तो गाइस ये पार्क है जहाँ पर मैं उस जगह पर लास्ट में कॉर्नर में मुझे वो चिड़िया दिखी और वो तो शुक्र है कि हमारा डॉग अभी यहीं इस जगह पे था, पर वो बच्चा चिड़िया का वो उधर था। तो गाइस आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने एक चिड़िया के बच्चे को बचाया है। तो बहुत ज़्यादा चींटियाँ थी, उसको नहलाया, पानी पिलाया और उसको जो है मुंडेर पर बिठा दिया ताकि जो है वो अपनी फैमिली के साथ जो कि आसपास ही घूम रहे थे, उड़ रहे थे, तो वो उनको ज्वाइन कर लेगा और बाकी लोगों से लेके चले जाएंगे। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे उसे बचाया है। कहाँ बिठाएं? यहाँ बिठा दी इसके ऊपर, गरम तो नहीं है। अलली तो इसमें ना चीटी वो है, बहुत चीटियाँ चढ़ रही हैं। हाँ चीटियाँ हैं अभी भैया हैं। इसको कोई जख्म है, इसमें बाल्टी में डाल, बाल्टी में अगर पानी है तो। पानी नहीं, ये है, देख। शक्कर है, ये। शक्कर है। मार दें, चीटियाँ तो निकल। नहीं नहीं फूंक मारने से नहीं, बहुत ज्यादा है। आप पानी डालो इसके ऊपर थोड़ा सा और। थोड़ा सा पानी और घर से लाना पड़ेगा। अरे तो उसी साइड ले सकते हो, ठीक है, पीछे तरफ ले लो। उनको दे देंगे। हाँ यहाँ डाल दे। अब इसको घर की तरफ ले चलते हैं। कोठी तो नहीं, यहाँ पे कर देते हैं। वहाँ तो बोल दू हमारे पास तो खुद ही डॉग है, वो इसको तंग करेगा। पानी पिला इसको। पी रही है। चोंच पे कुछ गड़बड़ है, इतनी गर्मी में बिना पानी के रहेगी होगी, इससे भी हो जाता है।
हर हर गंगे ओ पी लिया पानी। अब इसको कहीं अच्छी जगह बिठा देते हैं। तो ठीक है ऊपर का बच्चा बैठा आराम से है, पर अभी उसकी कंडीशन काफी बेटर है, बट आई थिंक वो देखते हैं कितना सरवाइव कर सकता है। उड़ने में अभी पूरी तरह कैपेबल नहीं है, उड़ नहीं पा रहा है, तो आज मैं इसके लिए कोई और जगह बनाती हूँ। तो ये जो बोगनविलिया के पेड़ है इनमें ही इसको बैठा के रखवाती हूँ ताकि जो ये सेम रहे। चिड़ियों के लिए बाजरा और पानी की